subscribe under 24/7 and press the bell icon. Hi my lovely stars and angels, welcome to Adda 24/7, government job in your pocket. कैसे हो friends आप सभी? सुबह 5 बज गए हैं और आप लोगों के लिए मैं peculiar English लेके आपके सामने आ गया हूँ. कुछ अच्छे words, कुछ different words daily हम लोग करते हैं. ये आप लोगों के जो आपका vocabulary improvement है, जो आपका vocabulary development है, उसके लिए बहुत ज़्यादा important है. Peculiar English में आज आपका जो पहला word है, वो है हमारा गाउटी. क्या बोलते हैं इसको? गाउटी. 4-5 बार मेरे साथ बोलेंगे, जल्दी से बोलिए इसको. गाउटी, GOATEE. अगर आपको मैं बताऊं कि ये होता क्या है, क्या होता है जरा इसको बताएंगे. गाउटी, इसका मीनिंग होता है ए स्मॉल टफ्ट ऑफ हेयर ऑन ए मैन्स चिन. अगर मैं अपनी जो बियर्ड होती है हमारी, उसको हम यहाँ पे जो चीक्स पे ना करके सिर्फ यहाँ पे कर लेते हैं, तो उस वाले फैशन को बोलते हैं क्या? गाउटी. मुझे नहीं पता आप लोगों ने आज तक इसको देखा था या पता था कि नहीं पता था. ये आप लोगों का हो गया गाउटी. गाउटी स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाउटी स्टाइल्स आप लोगों को इस तरह से यूज कर सकते हो. अब कभी भी अगर आप कोई इस टाइप की बियर्ड में इंसान देखोगे तो उसको पता लग जाएगा कि ये इसका कौन सा स्टाइल है, गाउटी. याद कर लीजिए, हमेशा आपको पता होना चाहिए क्योंकि इट्स पिक्यूलियर. जो सेकंड वर्ड है आपके सामने रख रहा हूं और वो है आपका ब्लाइंड गॉड. ब्लाइंड गॉड का मतलब क्या होता है? कि ऐसा भगवान जो अंधा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ब्लाइंड गॉड, अगर आपने, मैं बात करूं, आपने क्यूपिड का नाम सुना होगा, CUPID, रोमन गॉड ऑफ लव. रोमन गॉड ऑफ लव क्यूपिड को हम लोग ब्लाइंड गॉड बोलते हैं क्योंकि ये अपनी आंखों पे, है ना, अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रहते हैं. गॉड ऑफ लव है तो जैसे आप बोलते हो कि प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, नहीं होता, क्योंकि क्यूपिड होता है वो अंधे होते हैं, इसलिए वो प्यार अंधा बोलते हैं. और उनके पास एक बॉ होता है, एक एरो होता है, उससे वो अपना शूट करते रहते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके हार्ट्स को, है ना. इसलिए वो आप लोगों ने देखा होगा कभी भी इस तरह का, ये एक हार्ट होता है और यहाँ से आप लोग इस तरह से तीर का निशान आप लोग दिखाते हो कई बार, है ना, क्लियर है ना. ये क्यूपिड का साइन होता है, ब्लाइंड गॉड इसको बोला जाता है. तो आई होप आप लोगों को आज के बाद ये ब्लाइंड गॉड जो है हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना. क्यूपिड क्या होता है? ब्लाइंड गॉड. और यू कैन से क्यूपिड द गॉड ऑफ लव इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड गॉड. क्यूपिड को ही अगर मैं बात करूं, क्यूपिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड गॉड बोलते हैं. सेकंड जो है मीनिंग आपका ये हुआ. एक और थर्ड जो आपका वर्ड है वो है ग्रैंडफादर्स क्लॉक. ग्रैंडफादर्स क्लॉक का मतलब ये नहीं होता कि जो हमारे दादाजी का क्लॉक है, नहीं. ग्रैंडफादर्स क्लॉक का मीनिंग होता है वो क्लॉक जो वेट के हिसाब से चलता है, जिसमें वेट होता है और तब वो रन करता है, ठीक है. तो ग्रैंडफादर्स क्लॉक का मतलब होता है इट इज ए क्लॉक दैट वर्क्स बाय प्लेसिंग वेट्स. अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा. ये वाले टाइप के जो क्लॉक होते थे, यहां पर जो ये जितने भी ये होता है, ये वेट होता है, इस वेट के हिसाब से ये क्लॉक जो है वो वर्क करता है. बहुत सारे पुराने आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, इस तरह का ग्रैंडफादर्स क्लॉक जो है वो रखा होता है, मिला होता है. आजकल तो आपने देखा है कि क्लॉक जो है बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे से आ गए हैं. तो ये आपका ग्रैंडफादर्स क्लॉक वो क्लॉक हो गया जो वर्क करता है बाय प्लेसिंग वेट्स, इसलिए इसको ग्रैंडफादर्स क्लॉक बोला जाता है. तो मैंने आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा गाउटी, आज हमने सीखा ब्लाइंड गॉड और हमने सीखा ग्रैंडफादर्स क्लॉक. तो गाइस, डेली अगर ग्रामर की बात करें तो 7 AM इन द मॉर्निंग और 6 PM इन द इवनिंग डेली जो है SSC अड्डा पे मेरे दो शो होते हैं लाइव. आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बी इट बैंकिंग या वो SSC हो या वो आप लोगों का स्टेनोग्राफर हो या कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, इंग्लिश लैंग्वेज ऑलमोस्ट हर जगह सेम है गाइज. प्लीज़ एक बार आकर आप देखिए. अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोरिंग लगती है तो ये दो शो अटेंड करने के बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है. मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 7 AM डेली इन द मॉर्निंग और 6 PM इन द इवनिंग ये SSC अड्डा पे मेरे दो शो होते हैं. प्लीज़ इनको बिल्कुल भी देखना ना भूलें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो. तो मैं आपका वेट करूंगा 7 AM और 6 PM लाइव में. जल्दी से अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को ना भूलें. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. कल 5 बजे फिर मिलते हैं. जय हिंद.